एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। दरभंगा में एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। इसी को लेकर केवटी में बैठक सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी सांसद अशोक यादव, एनडीए के एमएलसी प्रत्याशी सुनील चौधरी मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए, जिन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनडीए के विधान परिषद प्रत्याशी सुनील चौधरी ने कहा कि अटल जी पीएम मोदी की राजनीतिक यात्रा और सीएम नीतीश कुमार से प्रभावित होकर राजनीति की है। 2015 से 2020 तक बेनीपुर से रहते हुए गरीबों के लिए काम किया। उन्होंने लोगों से वादा किया कि फिर से सबकी सेवा करेंगे, लोगों की हर समस्या को सुलझाएंगे। विजय का माला हमसे पहनवे छे, सब आदमी ताली बजा के स्वागत करो। चलो सब आदमी के बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन लावे ला दिलीप जी, अब राशन के जल्दी जल्दी व्यवस्था करियो। एको आदमी बगैर खाने नहीं जाए। अपन भोज है, अपन खाना है, अपन भोज है, अपन खाना। सब आदमी व्यवस्थित होकर भाव सके, इतने आदमी से कहीं देर लगते लाइन में, इतने आदमी से कहीं समय लगते ना, भोजो करने से समय लगे है दरवाजा पर। तैलक अर्पा तर्पित नहीं करो, सब आदमी एक दूसरे के सहयोग करके भोजन कहिए का जा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए ने मुझे यहां से एमएलसी प्रत्याशी के रूप में नामित किए और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी नेतागण, अभिभावकगण, छोटे बड़े सभी का योगदान है। और यहाँ अगर आज हम इस मंच से बैठे हुए हैं, बैठ के आप लोगों के से बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचाने में अगर किन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे बगल में बैठे हुए हमारे बड़े भाई माननीय सांसद श्री अशोक यादव जी का है, जिनके बदौलत हम आप लोगों से यहाँ वोट मांगने आए हैं। इसीलिए ये पार्लियामेंट छोड़ के मेरे लिए आप लोग के पास आए हैं। और नेता की तो मजबूरी होती है कि वो जाएगा ही पार्टी के लिए वोट मांगने, लेकिन ये आत्मा से आए हैं मांगने, मुझे इसका विश्वास है। और उसके बाद हम आए पार्टी में, नॉमिनेशन किए, और मैं आप लोगों से यही एक बार आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि बहुतों को आप दिए हैं आशीर्वाद, मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे एक बार मौका दें, आशीर्वाद दें, हम बिना थके सोए रुके तमाम जनता की हम सेवा ईमानदारी के साथ कहेंगे।